PS5 पर बहुत सारे अमेजिंग गेम्स आ रहे हैं एंड PS5 शोकेस में हमें उन सभी गेम्स का ट्रेलर एंड कुछ कुछ के तो हमें गेम प्ले भी देखने को मिले थे। उन्हीं में से एक गेम थी जिसने हम सबका ध्यान खींचा क्योंकि हम सब ने उस गेम की सारी मूवीज देख रखी है एंड इट्स वन ऑफ द बेस्ट सीरीज एवर। यस वी आर टॉकिंग अबाउट हैरी पॉटर। हैरी पॉटर हम सब ने देख रखी है और हम सब ने कभी ना कभी तो ये सोचा ही होगा कि काश हम भी इस तरह से मैजिक यूज कर पाते या फिर हॉगवर्ट्स जैसी सच में कोई जगह होती तो कितना मजा आता ऐसे लाइफ को जीने में। वेल इन रियलिटी ये तो पॉसिबल नहीं है या फिर क्या पता हो भी। और इसी कमी को पूरा करने के लिए वार्नर ब्रोस एवलांच स्टूडियो के साथ मिलकर द हॉगवर्ट्स लेगेसी लॉन्च करने वाली है। हमें इसका ऑफिशियल ट्रेलर PS5 शोकेस में दिखने को मिला था। जरा सोच कर देखो आप एक ऐसे वर्ल्ड को एक्सप्लोर करोगे जो हैरी पॉटर मूवी में दिखाई गई है। आप उन हर जगहों पर जाकर खुद चैलेंजेस करोगे, आप मैजिक स्पेल्स सीखोगे, आप लेजेंडरी मॉन्स्टर से मिलोगे। ये सुनने में कितना ऑसम लग रहा है राइट। इस गेम का कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल है। आप यहाँ पर हैरी पॉटर के रूप में नहीं खेलोगे बल्कि आप खुद का अपना कैरेक्टर बनाकर आपको सारी चीजें करोगे जो एक हॉगवर्ट्स का स्टूडेंट करता है। एंड ये गेम ऑनलाइन होने वाली है, मतलब कि इस जादुई दुनिया में सिर्फ आप अकेले नहीं रहोगे बल्कि दुनिया भर से सभी लोग इसे खेल रहे होंगे और उन सबका अपना कैरेक्टर होगा। आप उनसे दोस्ती कर सकते हो, साथ में क्लासेस कर सकते हो, आप साथ में इस अनोखे दुनिया को एक्सप्लोर कर सकते हो, हिडन ट्रेजर्स ढूंढ सकते हो, मॉन्स्टर से लड़ सकते हो और भी बहुत कुछ। ये सुनने में इतना एक्साइटिंग लग रहा है कि मैं खुद एक्सप्लेन करते करते एक्साइटेड हो गया हूं। इतना तो इमर्सिव दिखाया गया इस गेम के एनवायरनमेंट और ग्राफिक्स को। ये गेम एक रोल प्लेइंग एक्शन एडवेंचर गेम है। इस गेम में आपको खुद से अपने डिसीजंस लेने हैं, आपको सारी चॉइसेस दी जाएंगी और आपके डिसीजन से ही गेम की स्टोरी भी आगे बढ़ेगी। इस गेम में जो चेंजेस होंगे उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे, इसलिए तो इस गेम का नाम हॉगवर्ट्स लेगेसी रखा गया है ताकि आप भी अपनी लेगेसी बना सको विद योर ओन डिसीजंस। अगर आपको याद होगा तो एल्डर स्क्रॉल 5 यानी स्काइरिम जो कि 2011 में आई थी वो गेम को आज भी खेला जाता है बिकॉज ऑफ देयर कॉन्सेप्ट। उस गेम का कॉन्सेप्ट इतना अच्छा है उस गेम से लोग बोर ही नहीं हो रहे। उस गेम में आपके पास एक पूरा ओपन वर्ल्ड रहता है जहाँ पे आप कुछ भी कर सकते हो, आप दूसरे प्लेयर के साथ भी मिल सकते हो और आप बहुत सारे क्विस्ट कर सकते हो, आप लेजेंडरी मॉन्स्टर हंट करते हो और अपने आप को इनहेंस करते हो, अपने लेवल कैरेक्टर का बढ़ाते हो, ये सारी चीजें आप इसमें कर सकते हो। और यही सेम वाइब मुझे हॉगवर्ट्स लेगेसी से भी आ रही है। ये गेम भी देखना आगे जाकर कहीं ना कहीं स्काइरिम की तरह ही बन जाएगी और इसके भी बहुत ज्यादा प्लेयर्स होने वाले हैं और ये गेम काफी लंबी चलने वाली है क्योंकि इस तरह का गेम अक्सर देखा जाता है कि ये जो RPG एलिमेंट वाले गेम्स होते हैं जिसमें काफी ज्यादा ओपन वर्ल्ड दिखाया जाता है। और स्काइरिम और ये हॉगवर्ट्स लेगेसी इन्हें काफी सिमिलैरिटीज दिख रही है खासकर इनके कॉन्सेप्ट पे। और क्योंकि हॉगवर्ट्स लेगेसी ऑनलाइन है तो ये तो कंफर्म है कि ये गेम बहुत लंबी होने वाली है। ये तो कंफर्म है कि इसमें आप नए लोगों से मिलोगे, आप नए नए क्विस्ट करते रहोगे, तो ये एक नेवर एंडिंग गेम है बिल्कुल स्काइरिम की तरह। इस गेम से पर्सनली मुझे बहुत उम्मीद है और मैंने भी हैरी पॉटर की सारी मूवीज देख रखी है एंड ट्रस्ट मी मैं ऑनेस्टली चाहता था कि इस पे एक गेम आए जिसमें प्लेयर इसी तरह के लाइफ को जी सके एंड फाइनली वी आर अबाउट टू एंजॉय दिस। आप क्या सोचते हो हॉगवर्ट्स लेगेसी के बारे में, आपको क्या एक्सपेक्टेशंस है इस गेम से मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई देन इसे लाइक जरूर कर देना एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड जिन्हें गेमिंग पसंद है थोड़ी सी भी। अगर आपको गेमिंग रिलेटेड पोस्ट देखना पसंद है देन फॉलो आवर इंस्टाग्राम पेज @thefinks09। हमने वहाँ पर बहुत अमेजिंग माइलस्टोन्स हिट कर रखे हैं और अगर आप न्यू है इस चैनल पे देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। यहाँ पर हम गेमिंग से रिलेटेड हर टॉपिक पे बात करते हैं एंड वी आर अ कम्युनिटी। सो आज के लिए बस इतना ही, मैं मिलता हूँ किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।